फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बर्तन से कितने छोटे बर्तन भरे जा सकते हैं, गिनो और लिखो। फर्स्ट है एक जग का चित्र, हमें बताना है इस जग में कितने गिलास पानी भरा जा सकता है। गिलास हमें साथ में बने हुए दिखा रखे हैं, तो कितने गिलास है? आठ। आठ गिलास से ये पूरा जग भरा जा सकता है। नेक्स्ट है एक बॉटल, उस बॉटल में कितने कप पानी आ सकता है, कप की संख्या गिनो, कितनी है? छः। इस थर्मस में छः कप चाय आ सकती है। नेक्स्ट हमें एक बड़ी बोतल का चित्र दिखाया गया है, हमें बताना है इसमें कितनी छोटी बोतल पानी आ सकता है। छोटी बोतलों की संख्या गिनो, कितनी है? 15। तो बड़ी बोतल से 15 छोटी बोतलें पानी भरा जा सकता है। नेक्स्ट है बाल्टी, बाल्टी में कितने मग पानी आ सकता है, एक बाल्टी में 10 मग पानी आ सकता है। मगों की संख्या गिनो, कितनी है? 10 होगी। नेक्स्ट है एक कटोरी, बड़ी कटोरी, उसमें बताना है कितनी छोटी कटोरी पानी आ सकता है या दाल ली जा सकती है। तो इस बड़े कटोरे में से 6 छोटी कटोरी दाल ली जा सकती है। मुझे कैसे पता चला 6 छोटी कटोरी है? क्योंकि मैंने छोटी कटोरी की संख्या गिनी है, 6 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक पूरा कटोरा दूध पीता है, इन कुत्तों के लिए जितने कटोरे दूध चाहिए उतने कटोरे बनाओ और संख्या लिखो। सबसे पहले 3 डॉग की पिक्चर दे रखी है, हर एक डॉग एक बाउल दूध पीता है, तो 3 के लिए 3 बाउल बनेंगे। ऐसे ही 4 डॉग दे रखे हैं, 4 डॉग्स दे रखे हैं, तो 4 ही कटोरे बनेंगे यानी बाउल्स बनेंगे, तो कितने हो गए? 4। नेक्स्ट है, रीना ने पानी के जार में एक पत्थर डाला, उसने जार पर पानी के लिए निशान भी बनाए हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पानी में पत्थर डालने से पानी का स्तर बढ़ गया, हाँ या नहीं? हाँ, देखो दूसरी पिक्चर में जहाँ पर वो पत्थर पानी में है 30 तक पहुंचा हुआ है पानी का लेवल, तो इसका मतलब पानी का स्तर बढ़ गया, यहाँ पर हाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है, पत्थर डालने से पहले पानी किस संख्या पर था, तो पत्थर डालने से पहले तक पानी आया हुआ था। नेक्स्ट है, पत्थर डालने के बाद पानी किस संख्या पर आ गया, तो पत्थर डालने के बाद 30 पर आ गया। नेक्स्ट है, पानी ऊपर क्यों आया, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए, तो पानी के जार में पत्थर डालने से पत्थर ने अपनी जगह घेरी, जिसकी वजह से पानी का स्तर ऊपर आया। नेक्स्ट है, अपने घर के किसी बर्तन में यह गतिविधि करके देखिए। हमें 2 कांच के गिलास लेने हैं, उसमें पानी डालना है बराबर बराबर, फिर दूसरे वाले में एक बड़ा सा पत्थर लेके डाल देना है और देखना है क्या वो पानी ऊपर को उठा। जिस गिलास में हमने पानी डाला है उसका स्तर देखना है कि पानी थोड़ा सा ऊपर हुआ या नहीं हुआ, देखना आप उसका स्तर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमें एक स्टोरी दे रखी है प्यासे कौए की, प्यासे कौए की कहानी पढ़िए। एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, ऊपर आया पानी, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। सेम जो हमने गतिविधि करी है कि 2 ग्लास में पानी लेकर दूसरे में जो पत्थर डाला पानी ऊपर को उठा, सेम कौए ने भी वैसा ही किया। पानी नीचे था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने पत्थर लिए और उस जग में डालता गया, तो पानी का स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे वह कौए की चोंच तक पहुंच गया और कौए ने पानी पिया। क्या आपको लगता है कि कौआ पानी पीने के लिए कोई और तरीका भी अपना सकता था? कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। कुछ तरीके क्या दिए गए हैं? स्ट्रॉ डालकर कौए ने पानी पिया, दूसरे में एक पाइप डालकर कौआ आराम से बैठकर पानी पी रहा है, तीसरा हमें अपना तरीका यहाँ पर बनाना है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका यहाँ पर बनाकर दिखा सकते हो। नेक्स्ट है, आज बिंदी घर के लिए दूध लेने आई है, तुम मुझे कम दूध देते हो और मीना को ज़्यादा देते हो। मैं तो दोनों को बराबर दूध देता हूँ, ये दूध वाले ने कहा, मैं अपने नापने के बर्तन को इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब हुआ बच्चों, जो दूध वाला था वो तो सही नापने वाले बर्तन का इस्तेमाल करके दूध देता था, लेकिन बिंदी को ऐसा लगा कि उसे कम मिल रहा है और मीना को ज़्यादा, क्योंकि उसका बर्तन बड़ा था और मीना का छोटा, तो छोटा बर्तन तो भर जाएगा लेकिन बड़ा बर्तन खाली रह जाएगा, चाहे सेम बराबर नाप कर बर्तन में दूध दिया जाए। अब नीचे हमें 4 बर्तन दे रखे हैं, दूध वाला सभी को अलग अलग बर्तनों में बराबर दूध देता है।
चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी और डी बर्तनों में दूध का स्तर अलग अलग क्यों है बताओ। उत्तर है, क्योंकि सभी बर्तनों का आकार अलग है। कोई बर्तन लंबा है, कोई गहरा है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इसीलिए बराबर दूध डालने पर भी सब में दूध का स्तर अलग अलग आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि दूध कम या ज़्यादा है, दूध बराबर है चारों बर्तनों में। नेक्स्ट है, दूध वाला दूध ठीक से नहीं नापता। नहीं, ये गलत है, दूध वाला दूध ठीक से नापता है। सभी बर्तनों के आकार में अंतर है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सभी बर्तनों के आकार में अंतर है। नेक्स्ट है, क्या आप इन दोनों बर्तनों में बराबर पानी भर सकते हो? हाँ, इन दोनों बर्तनों में बराबर पानी भरा जा सकता है। कैसे? कितना भी पानी भरो, पानी तो बराबर ही भरेंगे हम दोनों में। छोटे वाले बर्तन तक के साइज़ का हम बड़े जग में पानी भर सकते हैं और पानी तो बराबर होगा। तो बच्चों, ये थी हमारी मैथ्स की क्लास सेकंड की वर्कशीट 16। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें।